आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीधी तस्वीरें होंगी टाइगर रिजर्व से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं आप उनका कॉन्वॉय और प्रधानमंत्री हाथों में हैट लिए, कैमोफ्लेज की शर्ट पहने हुए वो आपको नजर आ रहे हैं एक अलग ही गेटअप में, वाइल्ड लाइफ सफारी। क्योंकि ये अभी जो प्रोजेक्ट है टाइगर, उस पर देश के सामने नए आंकड़े भी पेश करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें देखिए, उनका काफिला पहुंच चुका है। देश में बाघों का जो संरक्षण है उसको लेकर ये दौरा भी काफी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक देश में बाघों का नया आंकड़ा जारी करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में उनकी मौजूदगी। तो पीएम मोदी का ये जंगल सफारी है, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये काफिला जब पहुंचा, जैसे ही प्रधानमंत्री नीचे किस तरह से उतरते हैं और एक अलग ही गेटअप में, और प्रधानमंत्री की यही खासियत है जहां भी जाते हैं जिस परिवेश में होते हैं उसी वेशभूषा में भी नजर आते हैं, ढल जाते हैं, सीधा कनेक्ट करते हैं। अब चूंकि ये वाइल्ड लाइफ सफारी है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला है, और ये पहुंचे हुए प्रधानमंत्री वहां पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, तो उसी गेटअप में भी नजर आ रहे हैं, हाथों में हैट, एक हाफ जैकेट जो अक्सर जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स पहनते हैं, कैमोफ्लेज वाली वो जो शर्ट होती हैं वो भी पहना हुआ है उन्होंने, उसी हिसाब से शूज पैंट सब कुछ है, गेटअप नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दो दिवसीय मिशन साउथ का ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण, कल किस तरह से उन्होंने सौगातों की झड़ी लगा दी थी, और आज कर्नाटक में उनकी मौजूदगी है टाइगर रिजर्व में, और आज कर्नाटक के लोगों को भी काफी तोहफा बांदीपुर नेशनल पार्क में। और दो दिवसीय दक्षिण भारत दौरा है, और खास बात यह है कि कर्नाटक में हाल फिलहाल ही विधानसभा चुनाव होने हैं 10 मई, यानी कि अगले महीने ही 10 मई में, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, महीने भर का वक्त है, वहां पर चुनाव है एक चरण में, और 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। इस लिहाज से भी काफी अहम है प्रधानमंत्री का दौरा, और गौर करने वाली बात यह है कि ये इस साल का 8वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो लगातार पहुंच रहे हैं कर्नाटक वासियों के बीच, उनकी मौजूदगी और तोहफों की और विकास परियोजनाओं की झड़ी उन्होंने लगा दी है, कई हजार करोड़ के जो विकास योजनाएं हैं उनकी शुभारंभ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों द्वारा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब टाइगर रिजर्व में उनका काफिला कन्वॉय पहुंचा हुआ है भारी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के बीच, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का काफिला है, और निश्चित तौर पर जहां से भी वो गुजरे लोगों को जैसे ही जानकारी मिली वो सड़क पर उनकी मौजूदगी, और हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी खासियत भी है कि कभी भी लोगों के बीच भी पहुंच जाते हैं, बच्चों से मिल लेते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड कभी फोटो क्लिक सेल्फी सब कुछ वो देश और दुनिया को देखने को मिलता है, और यही खासियत भी है, खूबियां हैं प्रधानमंत्री की जो लोगों से सीधा उनको कनेक्ट कर देती हैं। और देखिए आईबीसीए की शुरुआत, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देश में बाघों का नया आंकड़ा जारी करने जा रहे हैं पीएम, 50 साल पूरे होने पर मैसूरू में यह कार्यक्रम होने जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और बाघों से जुड़े आंकड़े पेश किए जाएंगे, जानकारी होगी उसमें कि कितने देश में अभी बाघ हैं और किस तरह से उनकी संख्या में इजाफा बढ़ोतरी और संरक्षण का कितना फायदा मिला, यह भी सब कुछ क्लियर होगा। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए लॉन्च करेंगे पीएम, और उस दौरान उनका गेटअप क्या है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो जिप्सी होती है खुली ओपन उसमें वो फिर सवार, और जब नीचे उतरे तो हाथों में हैट लेते हुए देखे शानदार तरीके से उनकी एंट्री। तो कर्नाटका में भी विधानसभा चुनाव भी है 10 मई को, और 13 मई को मतगणना यानी परिणाम आ जाएंगे सामने, लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल टाइगर को लेकर, और 8वां दौरा हाल फिलहाल